मुझे ऐसा लगता है तुम बताते बताते भूल गई कि हम कहाँ मिले थे। हाँ बेबी, तुम मत बताया करो ना सबको, मैं भूल गई थी वाकई। मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ पे सीधा हम लोग सेट पे मिले थे, कहाँ मिले थे। सुनो ना, हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं क्या, हमारी क्या बोलते हैं उसको, लव लव जर्नी। जर्नी, लव ये पता जर्नी। ही नहीं क्या बोलते सॉरी हैं, सॉरी शेयर क्या सॉरी करोगे सॉरी अभी। सॉरी सॉरी सॉरी। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को पता नहीं था, लेकिन बोलते वक्त भूल जाती हूँ मैं, कभी होता है मेरे साथ ये, ब्लैक ब्लैकआउट हो जाता है मुझे। क्योंकि हमसे काफी सारे लोगों ने जो Q&A सेशन था उसमें बात पूछी थी कि अपनी लव जर्नी शेयर करो, लव जर्नी शेयर करो। तो हमने कहा था कि वो इसमें Q&A सेशन में तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत लंबी हाँ स्टोरी है, तो हम लोग उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हमने ये वीडियो बना बनाना डाला, देखो आज बना बना डाला। डाला, बना डाला बिना मेरे को, ऐसा इतना मन नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन इसने बनवा डाला। बना डाला नहीं, बनवा डाला। तो कहाँ से शुरू करें बेबी? मैं बताती हूँ, जैसे आप लोग जानना चाह रहे थे कि हम लोग कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे। बहुत लोगों को तो ऑलरेडी पता ही होगा, इतने इधर उधर न्यूज व्यूज में हमेशा छपा ही है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको अब मैं बता देती हूँ कि हम लोग कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे। भाई तुम बताओ ना थोड़ा सा, लड़की बताते हो अच्छा लगता लेकिन जितने कॉन्फिडेंस से तुमने ये मोर्चा संभाला था कि मैं बताती हूँ, जैसे बहुत लोग जानना चाहते हैं, बहुत लोग ये कहना चाहते हैं, तो मैं बताती हूँ कि हम लोग। बेबी तुम बताना जरा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा बेहतर बता पाओगे। और मुझे ऐसा लगता है तुम बताते बताते भूल गई कि हम कहाँ मिले थे। हाय बेबी, तुम मत बताया करो ना सबको, मैं भूल गई थी वाकई। मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ पे सीधा हम लोग सेट पे मिले थे, कहाँ मिले थे। सुनो ना बेबी, बेबी आ जा, नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, बुरा नहीं मानते बेबी चीजों का, लाइफ में ये सब चीजें होती हैं। बुरा मान जाओगे तो कैसे चलेगा, प्यार की बात बता रहे हो और दिखा मुझे गुस्सा रहे हो, कैसे चलेगा, ये दोनों बातें मैच नहीं कर रही। अब तुम सिर्फ ये कि आगे की स्टोरी में बता दूं ना, इसलिए ये सब ड्रामा कर रही हो। तुम बताओगे तो देखो लोगों के लिए अच्छा है, सारी लड़की प्यार भरी चीजें लड़कियां नहीं बतानी चाहिए, लड़के बताने अच्छा चाहिए। एक काम करते हैं, मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ और बीच बीच में ना मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ दूंगा और इसको बोलूंगा फिल करने के लिए, समझ में आ जाएगा इसको कितना याद है। अच्छा चलो चलो, स्टार्ट करो स्टार्ट करो, तुम बताओ आज लोगों को। तो आप लोग तैयार हो हमारी लाइफ जर्नी सुनने के लिए? तैयार तैयार हो, हो? तैयार हो ना, आ जाओ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आया दिल्ली से एक डांस रियलिटी शो में कंटेस्टेंट बनके, जिस डांस रियलिटी शो का नाम था डांस संग्राम। अरे वाह बेबी, एक मार्क्स जीत लिया तुमने। बेबी बेकार की बातें मत करो, क्यों? मतलब तुम ऐसा बता रहे हो जैसे मतलब मैं मेरे को वो हो जाता है, बिल्कुल ही पता ही नहीं होता कि क्या बात करनी है, किस बारे में बात करनी है। ऐसा मत करो, याद तो है ना, मतलब ये तो पता ही था, मैं जज थी उस शो की, मतलब नहीं आप जज नहीं थे, मेंटोर भी थी और जज भी थी, मतलब दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए जज थी लेकिन इसके लिए नहीं थी, इसकी मेंटोर थी मैं और 6 कंटेस्टेंट्स की मेंटोर थी मैं। तो वो शो में हम लोग मिले थे पहली बार, और कहाँ मिले थे हम लोग, वहां पे जो एक प्रोमो शूट हो रहा था उस शो का, और प्रोमो शूट के दौरान मुझे तो याद नहीं, मैंने इसको देखा था, मुझे पता नहीं है, और मैं उस दिन बहुत बीमार भी थी, तो प्रोमो शूट के दिन मैं अपनी वैन से बस निकली हूँ और मैंने प्रोमो शूट किया मेरे हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से इसने मुझे देखा था, और कैसे देखा था यही बताएगा। हम लोग का प्रोमो शूट हो रहा था और हम लोग सिलेक्ट हो चुके थे, हम लोग आए वहां पर प्रोमो शूट के लिए, तो सामने से देखा कि संभावना जी आने वाली है। संभावना जी आई दुपट्टा लहराती हुई, उन्होंने 2 शॉट दिए ऐसे स्लो मोशन में दुपट्टा लहराते हुए और फिर चली गई। तो मेरे लिए तो ऐसा हुआ, ड्रीम गर्ल आई दुपट्टा लहराते हुए ब्लू कलर का और ड्रीम गर्ल वापस चली गई। तो मैंने कहा यार ये तो ड्रीम गर्ल को तो पकड़ना पड़ेगा। इसको मैं बहुत एटीट्यूड वाली लगी थी सबसे पहले, मतलब जब इसने इसको ये मेरे को ऐसा बताता है कि मुझे तुम इतने कैसे गुस्से वाली एटीट्यूड वाली कैसे लगा बहुत था। एटीट्यूड वाली, क्योंकि क्या है कि हमारे साथ बाकी जो कंटेस्टेंट थे ना वो भाग भाग के संभावना के साथ फोटो खिंचाने जा रहे थे। तो ऐसे ही मैंने एक बार ऐसे देखा तो इसकी ना नजर मुझसे मिल गई, तो इसने ऐसे घूर के देखा। मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं, ये तो इतनी तेज घूर रही है, तो इसके साथ शो कैसे करूंगा मैं। वो मेरे मेरे लिए नॉर्मल बात है, मतलब मैं नॉर्मल, मतलब वो ये शून्य नॉर्मली घूरती सबको। नहीं, मैं शून्य में चली जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे को देख रही हूँ, मैं कुछ और सोच रही होती हूँ, तो सामने वाले को लगता है कि मैं उसको घूर रही हूँ गुस्से में। जरा जाके दिखाना शून्य में। मैं अभी ऐसे कैसे दिखाऊं, अरे दिखाओ ना पता तो चले। मतलब ऐसा हो जाता है, ये तो शून्य नहीं था, 100 था। मतलब ऐसा देख रही होती हूँ मैं, लोगों को लगता है कि मैं गुस्से में देख रही हूँ, मैं अपने थॉट्स में हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। आई एम श्योर बहुत बहुतों के साथ ऐसा होता होगा अविनाश, लोग कितने मिसअंडरस्टूड होते हैं, मैं कितनी मिसअंडरस्टूड हूँ आप लोगों को आइडिया भी नहीं है इस चीज का, पता है, मतलब आप लोगों को तो है। नाउ दैट यू आर
माय सब्सक्राइबर आप लोगों को तो है, तो बताओ ना कैसे आगे बताओ, बताओ। मिसअंडरस्टूड करके भी तुमसे शादी कर ली मैंने, वो बात की बात है, लेकिन इसने उसके बाद सोचा कि क्या सोचा था तुमने, बताओ आप बताओ। मैं वो प्रोमो शूट हो गया और उसके बाद से वो शो स्टार्ट हुआ, तो जब एक्चुअल शो स्टार्ट हुआ और सब कंटेस्टेंट्स का हम लोग डांस देख रहे थे, सरोज मास्टर जी थी, श्वेता थी ना साथ में, और मैं हम तीन लोग थे, तो मेन जज जो थी वो सरोज जी थी, और हम लोग सब एक एक करके सबका डांस देख रहे थे। तो जनरली जब ये डांस करने आया तो हम तीनों का यही था कि वाओ क्या डांस करता है, और मुझे मेरे अंदर से ये निकल रहा था कि यार ये लड़का मुझे मेरी टीम में चाहिए एज अ परफॉर्मर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के में जीतने वाले सारे गुण हैं। अब मुझे भी जीत जाएगा ये तो मुझे नहीं पता था, मेरे को ऐसा लग रहा था। और मैंने जब इसे पूछा गया ना कि आप किसकी टीम में जाना चाहोगे, तो बेसिकली एक श्वेता की टीम थी, एक मेरी टीम थी, तो इसने बोला कि मैं ना संभावना मैम की टीम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि संभावना मैम ना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती है। मैंने कहा कितना शाना है ये लड़का, मतलब मेरे को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिला रहा है, ये लाइन मार रहा है मुझ पे। तो मुझ पे एक्चुअली लाइन मार रहा था ये, हम लोग सोच रहे हैं मजाक मस्ती की, मुझ पे लाइन मार रहा था। नहीं नहीं लाइन नहीं मार रहा था, झूठ मत बोलो यार। आप कहीं भी जाते हो, आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, आप जॉब के लिए जाते हो, सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश। ऐसा कैसे बन गया था, मैं जज को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कैसे इम्प्रेस किया, ये इम्प्रेस करके शादी कर ली। नहीं उसके बाद ये कौन सा इम्प्रेस था, मानेंगे इस बात को। जज भी इम्प्रेस हो गया और जज के इम्प्रेस होने से मैं फिर से इम्प्रेस हो गया। तो एनीवे तो ये पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी टीम में उसके बाद कैसे आ गए थे तुम मेरी टीम में। फिर उसके बाद वो हुआ कि फाइनल डिसीजन जो है वो सरोज मैम का होगा, तो उन्होंने टीम डिवाइड की और मैं ऑटोमेटिकली संभावना की टीम में आ गया। मतलब बेसिकली देखो ये उसी टाइम लिखा हुआ था कि हम दोनों का सफर वहां से शुरू होना था, हमें पता ही नहीं। मतलब पूरा वो शो ऑलमोस्ट 4-5 महीने निकला, उसके बीच में देसी गर्ल एक शो और था वो भी करने चली गई थी वो शो के बीच में, तो ये इतना कुछ हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लड़के के साथ मेरा फ्यूचर ऐसा होने वाला है, शो के दौरान बिल्कुल नहीं पता था। उसके बाद तो मैं देसी गर्ल में भी चली गई थी, वो याद है आपको शो जो आता था देसी गर्ल, तो वो भी उसी शो के दौरान हुआ था। तो मैं इतना बैक टू बैक बिजी थी ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि कोई मुझ पर लाइन भी मार रहा है, तो मैं तो मजाक मस्ती में निकाल देती थी। लेकिन ये करते करते मैं ये एक चीज जरूर नोटिस करती थी, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे ना वो मेरे पैर छूने आते थे, ये ना दूर खड़े होकर देखता था। तो मैंने इसको एक दो बार पकड़ा, मैंने कहा सुनो इधर आओ, तुम मेरे पैर क्यों नहीं छूते हो, छूओ मेरे पैर। तो ये ना ऐसे हवे में कुछ ऐसे से करता था, हांजी मैम आधे में करके निकल लेता था। तो ये मेरे को तब डाउट होता था कि मेरे पैर क्यों नहीं छूता। लेकिन शो के दौरान पता है चैनल वालों को एग्जैक्टली सभी लोगों को ऐसा लगता था कि शायद इनके बीच में यह संभावना इतना सपोर्ट करती है तो इनके बीच में जरूर कुछ चल रहा है। जबकि आपको मैं सच्ची बात बताती हूँ, मैं इसको वाकई बहुत सपोर्ट करती थी, इसको बुला के रेड बुल देना, इसको ये करना, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लड़का विनर है, इसको आगे जाना ही चाहिए। लोग और भी अच्छे थे उस शो में, लेकिन मुझे ऐसा लगता था यार ये बहुत जबरदस्त डिजर्विंग है। तो मेरा सिर्फ इतना ही वो था योगदान, बाकी का योगदान इसका था। बताओ वो सिर्फ ये था कि एक डांसर और डांसर के बीच की बॉन्डिंग थी कि यार कोई अच्छा डांसर होता है और दूसरे अच्छे डांसर को देख के उसके दिल में रिस्पेक्ट आती है और वो कहता है यार ये डिजर्विंग है, जीतना चाहिए, व्हाटएवर। तो जब वो शो खत्म हुआ, खत्म होते 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 फाइनली मैं वो शो जीत गया, और जब मैं वो शो जीत गया ना, उसका फिनाले हुआ था लाइव, और शो जीतने के बाद मुझे सडनली रियलाइज हुआ, देखो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही मेरे दिल में संभावना के लिए, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच पाया कि मैं उस लेवल तक जाऊं कि मैं प्रपोज करूं या मैं बात करूं या मैं आगे दोस्ती को बढ़ाऊं। लेकिन जब मैं उस शो जीत गया ना, तो होता है ना कि जब आप कोई बड़ी चीज हासिल कर लेते हो लाइफ में तो आपको लगता है कि आप ही सबसे बड़े हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो वो थोड़ा सा मेरे अंदर आ गया, मुझे लगा ओहो मैं तो शो का विनर बन गया। मैं तो कितना जीते थे तुम उस शो में? वो कुछ 11 लाख रुपए प्राइज मनी थी, 11 लाख और एक बाइक मिली थी ना तुम्हें, एक बाइक और ट्रॉफी मिली थी। तो मुझे वो शो जीतने के बाद लगा कि यार मैं तो शो जीत गया, तो मैं तो अब संभावना को प्रपोज कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने क्या किया, संभावना को मैंने प्रपोज किया, शुरू हो गया उसके बाद से लग गया ये। हाँ, और संभावना ने बोला तुम पागल हो गए हो क्या, अपने काम में ध्यान दो, अभी तुम्हें अपना करियर बनाना है, तुम काम मुझे प्रपोज करने में लगे हुए हो, ये नाम से तक तुम्हारी आज तक फटती है करने लगे हुए हो। हाँ मुझे करने लगे हुए हो, तुम क्या कर रहे थे मुझे। तो मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने फोन किया संभावना को, मैंने कहा मैम आप बॉम्बे में कहाँ रहते हो, कहती क्यों, मैंने कहा वो मैं बॉम्बे आ रहा हूँ ना तो मुझे भी वहां पर घर लेना है, तो कहती तो मैं ये क्यों बताऊं मैं कहाँ रहती हूँ, मैंने कहा मैं आपके घर के पास ही लूंगा ना, कहती क्यों, मैंने कहा मैं तो किसी को बॉम्बे में जानता नहीं हूं, तो आपके पास रहूंगा तो थोड़ा आपसे मिल लूंगा, आपसे थोड़ी मेरे को गाइडेंस मिल जाएगी और ये वो। तो इसने बता दिया ये कहाँ रहती है, इसको पता नहीं था मैं कितना चालू आदमी हूँ, इसने वाकई बिल्कुल ही मेरे घर के पास में घर ले लिया। मैंने इसके घर के बगल में घर ले लिया, और बगल में मतलब पास में, बगल में ले लिया, बगल में ले लिया, झूठा आदमी, पास में रहते थे, एक गांव था। ये क्यों नहीं बता रहे हो। खैर मैं आपको कट शॉर्ट करके कहानी बताती हूँ, इस
ये मेरे उसके बाद भी काफी टाइम तक मेरे पीछे पड़ा रहा, बट मेरे को इसके लिए एक बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर था, मैं चाहती थी आगे निकले लाइफ में। लेकिन ये करते करते जितनी बार ये कहता गया ना दैट मतलब वही प्रपोज करता गया ना, मैं उतनी बार मैंने कम से कम 1.5-2 साल में कुछ 40-50 बार प्रपोज किया होगा, करता गया और उतनी बार मैं इसको मना करता, और कम से कम 8-10 हजार के फूल मेरे खराब हुए हैं, और मैं इरिटेट हो जाती थी कि यार ये क्या कर रहा है यार, इरिटेट हो चुकी थी मैं। ये होते 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 आपको पता है मैं बहुत बीमार पड़ गई और मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, और जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई तो मैं आई थिंक 10-12 दिन ना 10-12 दिन मैं हॉस्पिटलाइज रही। उस दौरान मेरे को किसी कुत्ते ने नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा, कोई एक बंदा भौंकने नहीं आया कि समाना तो कैसी है। तो ये तो हमारा हाल है, मतलब आपको वैसे सब दोस्त बोलते रहते हैं, पूछने कोई नहीं आता। ये उस समय मेरे पास आ गया, इसको पता लगा मैं बीमार हूँ हॉस्पिटलाइज हूँ, ये मेरे पास पहुंचा और इसने उसके बाद मुझे नहीं छोड़ा। उस दौरान इसने मुझे एक बार भी प्रपोज नहीं किया, मैंने इसको कुछ नहीं कहा और एक्चुअली हमारा अफेयर शुरू हो गया। तब बताओ अस्पताल में हमारा अफेयर शुरू हुआ था, है ना, तो वहां से हमारी ये लव जर्नी स्टार्ट हुई। तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही फ्लावरी चीजें हुई होंगी हमारे साथ, या ऐसा हुआ होगा, या कैंडल लाइट डिनर हुआ होगा, या हमारा अफेयर अस्पताल में शुरू हुआ था पेशेंट के बेड से। मेरे को निमोनिया हो गया था और मुझे ब्रोंकाइटिस, सीवियर ब्रोंकाइटिस हुआ था, और उस समय ये और मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि संभावना जो है एकदम बच्ची जैसी, क्योंकि निमोनिया बच्चों को ही होता है। हाँ देखो ना निमोनिया, मेरे को इतनी बड़ी इतनी स्टेज में निमोनिया हो गया, कुछ नहीं कर पाई मैं। तो ये थी हमारी लव जर्नी, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लव जर्नी शुरू हुई थी। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, इसके आगे के लिए फिर कभी बात करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, हमने कोशिश करी है हर पॉइंट कवर करने की इसमें। हम लोग नाचते नाचते एक अफेयर में आ गए, नाचते नाचते। हाँ तो बेसिकली हम लोग को क्लोज लाने वाला जो चीज थी वो डांस था, नाच। तो आप लोग ये जरूर बताइए कि आपको हमारी ये जर्नी कैसी रही, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में से किसी की इंटरेस्टिंग लव जर्नी हो ना, तो मैं जरूर जानना चाहती हूँ। अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिए कि आपको हमारा ये लव जर्नी कैसा लगा और आपका लव जर्नी क्या है। एंड यू कैन राइट, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। अस्पतालिया प्यार कैसा लगा बताइएगा अस्पतालिया प्यार। पता है कितने गंदे गंदे इंजेक्शन लगते थे मेरे को, इतना चिल्लाती थी, रोती थी मैं, तो ये ऐसे से करता रहता था, ये अपना वो फिक्स कर रहा था वहां पे। जरा कैमरा बंद करेंगे, चलिए मैं ही कर देता हूँ आपकी, आपको देख के लग नहीं रहा आप कर पाएंगे, आप पता चला वीडियो डिलीट कर दिया आपने।